नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। ठंड बहुत हो रही है दोस्तों, मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि आप कैसे हो, क्योंकि मैं ही खुद ख़राब हो रखी हूँ। 3-4 दिन से तबीयत डाउन है, खांसी बहुत हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ठंड तो आपको पता ही है बहुत है। आज कुछ ज़्यादा नया ताज़ा नहीं है वीडियो में। बीमार हो रहे हैं, ना बाहर जा सकते, लॉकडाउन लग रहा है, बस खाना पीना सोना यही चल रहा है। कौन सी चाय हो रही है आपकी? दूसरी नहीं, तीसरी चाय आपकी। अरे तो सुबह की थी, एक सुबह की थी और दो अब होगी। और पता कितनी हो रही है? मेरी पता है कितनी होगी, 2-3, मेरी 4 चाय होगी आज की। अपने आप 4 पी ली या दूसरी तीसरी पी रहे? तो भी कू यार, तीसरी कू आपकी, चौथी आपकी भी गोदाम पे भेजी थी किटली में भर के। आप ऐसे किस कह रहे हो? ठीक है जी, ठीक है, खराब हो रही है, लेकिन फिर भी बेचारा अपना होमवर्क करने में लग रहा है। अरे चाय पीने लग रहा, चार्ट बना रहा, पढ़ाई में लगा हुआ है। और एक बेचारा, इसकी भी तबीयत खराब होगी आज। इसका तो जरा सी टेंशन लेते ही पोटी जाता है ये तो। अपने शरीर को ठीक रख भैया, अभी तो बहुत काली पीली आने वाली है। ठीक है, पढ़ाई में पढ़ोगे तो अच्छे नंबर लाओगे, अच्छे अच्छे शुभ फल मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, ना पढ़ोगे तो टेंशन करने से कोई हल नहीं होता सिवाय बीमारी के। तो पापा ब्रेड अच्छे से सेक ना, चुनो। मैं तो दबाती हूँ उनको, दबाने से घी और ज़्यादा भी लगा है। आज मैंने देखा है तेरे पापा कैसे ब्रेड सेक के, जरा सा घी लगा के बस नुई रख दी। आज मुझे पता चला, इसको ऐसे डाल के और इसको ऐसे ऐसे दबाती थी, आज पता चला कैसे सीखते हैं ब्रेड। देखो, कोई भी काम है देखने से ही पता चलता है, सीखने से कि हाँ भाई ये काम सही है। दोस्तों, सिकल में 12 बज रहे, 1 बज जाते हैं, कभी 2 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं। मोनू की शादी आ रही है 6 तारीख की, और आज तारीख होगी 22, और कोई भी शॉपिंग नहीं हुई है किसी की भी चारों में से। मैंने अपने साड़ी दे रखी है तैयार होनी, ब्लाउज सिल रहे हैं मेरे, लेकिन फॉल मेरे को ही लगानी है। एक दो करके लगाई, 2 ही साड़ी फॉल लगी है, अभी तैयारी नहीं हुई हमारी। मोनू की शादी में ऐसी ठंड रही तो कैसे काम चलेगा, ना उड़न के ना पैरन के, बस रिजाई चाहिए मेरे को तो, कैसे काम चलेगा भाई। अभी मार आदमी को तो और भी ठंड लगती है। ए मोनू, थोड़ी सी और आगे कर लेती अपनी शादी, थोड़ी ठंड कम हो जाती, मार्च से मैं कर लेती। 4 तारीख की दिव्या की शादी थी, दिव्या की शादी में भी बहुत ठंड पड़ी थी ना, और अब की बार तो बसंत पंचमी है 5 तारीख की, ठंडा बढ़ेगा, और उसमें भी ऐसा ही मौसम पाएगा शायद, देख लेना। अगर ऐसा मौसम होगा तो होली पे भी ऐसा मिलेगा, समझे? ऐसा क्यों? हाँ, जो बसंत पंचमी को मौसम होगा वैसे मिलेगा, फिर तो होली का ठंडा कट जाओगे ना। हाँ, 1 महीने का डंडा घट जाएगा बसंत पंचमी वाले दिन। तो काटू जी भी नहीं जा पाऊँ मैं। अबे पहले ही बीमारी में पट बंद कर रखे हैं सब, लेकिन बंद। लेकिन आज आज खबर आ रही है, वैसे कह रहे हैं लॉकडाउन भी खत्म होगा, और जो ये ऑड इन वन लग रही है ना दुकानें, काटू जी का तो नहीं, दिल्ली का तो बंद है, दिल्ली में तो परमिशन नहीं मिली, लेकिन खाटू जी का बाजार खुल जाएंगे, आज आ रहा था बाजार खुल जाएंगे, खाटू जी के भी दर्शन चालू हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। देखो बसंत पंचमी के दिन होंगे या नहीं, पर थोड़ी कई शादी निकली थी मोनू की, ये डेट फिक्स रखी, क्या पता इतनी ठंड पड़ेगी, कोरोना भी आ जाएगा, सारा मजा किरकिरा कर दिया। कोरोना कहाँ गया था, कोरोना यही है। कम तो था, तीसरी लहर आ रखी, अब ज़्यादा आ रही है।
अरे कोरोना का बुखार है अब, ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन कोरोना डेल्टा उपाय कौन उसका कितने कई आली है, सारे खतरनाक है। अगर हम चेक कराने जाएंगे ना नाक में और मुंह में, तो हमारे भी बता देंगे वे कोरोना। इसलिए अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, साफ सफाई का प्रबंध रखो, ठीक है। एक दूसरे का झूठा मत खाओ, सुन गए? ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को झूठा मत खाओ किसी का भी। ऐसा है, तू ही ना खाती किसी झूठा, तेरा झूठा तो सब खा ले। नहीं, मैं नहीं देती अपना झूठा किसी से भी। कभी आज तक प्लेट खाली करी है? रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड की है आज तक प्लेट कभी खाली की है? खाने का सामान छोड़ दे उसमें। अब तो मैं फिर आज तक प्लेट खाली ना करने का मतलब है कि अब तो मैं थोड़ा ही खाती हूँ, जरा से खाती हूँ। दो रोटी रखी है, एक खाई एक छोड़ देगी? नहीं, ऐसे नहीं छोड़ती मैं, एक खानी है तो एक ही लेऊंगी, ठीक है। इसलिए कोशिश है कि मेरा झूठा कोई मत खाओ। और भाई अपना ध्यान रखो, रोज कहती चुनू टोपा ओढ़ ले अरसी, टोपा ओढ़ ले। तो अरसी ने टोपा जुराब सब पहनना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उससे पहले बोलती रही, भाई टोपा ओढ़ लो, स्वेटर पहन लो। और आज तो रात से बरस रही है, और ये देखो अभी भी बरसने लग रहा है। मैं तो कपड़े भी पड़े हैं ऊपर छत पे, मैंने सोचा थोड़ी हवा लग जाएगी। आज तो सुबह से ये चिकोट पर्दे भी ना हटाए, यूँ कहीं लग रहे कि कभी हवा आ जाए। ठंडी बहुत हो रही है, मैं तो कपड़े भी पड़े ऊपर। मैंने सोचा कि इसलिए मैंने आलू उबाल के आलू छोक दिए। किसी को खाने हैं तो खाओ खुश होके, ना तो सब्जी ला के दो, ठीक है। अब कह रहा है भाई साहब कि आलू को बनाए। दोस्तों आप ही बताओ मैं क्या बनाऊं, बीमार औरत फिर भी बना के दे रही, इतना बहुत है। से परेशान हो गए बाप बेटे, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और दोस्तों ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को। जय श्री कृष्ण।